नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सभी स्वागत करता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ओमिना टेक कंपनी द्वारा यहाँ पे परमानेंट भर्ती निकल के आ चुका है। दोस्तों ये जो कंपनी है दोस्तों ये 2019 में ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी कंपनी अभी बन चुकी है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग कंपनी है एक्चुअली। यहाँ पे IT पास स्टूडेंट के लिए ओनली भर्ती निकल गई, जिसमें आपको ऑन रोल परमानेंट जॉब दिया जाएगा 2024 में दोस्तों। और मैं कोई दोस्तों ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि आप किस कंपनी में परमानेंट जॉब दिया जाएगा, साफ साफ इसके नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ कि जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है उन सभी को दोस्तों यहाँ पे परमानेंट जॉब मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी IT पास स्टूडेंट है, आप फ्रेशर है, तो आपको इसमें दोस्तों परमानेंट जॉब मिल जाएगा। सिर्फ आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं जिस भी कंपनी के बारे में बताता हूँ पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देता है, ऐसा नहीं मैं आपको कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दिया। देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि आप अगर मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका 100% दोस्तों इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। निःशुल्क डायरेक्ट भर्ती आप लोगों का होने वाला दोस्तों। इस जॉब के लिए दोस्तों आपको 1 भी रुपया पे करने का जरूरत नहीं, बिल्कुल दोस्तों आप फ्री में जॉब पा सकते हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ यहाँ पर सैलरी आप महीने में 35,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं OT वगैरह करके दोस्तों। ठीक है ना, यह दोस्तों 8 घंटे का सैलरी नहीं है, आप अगर OT वगैरह करेंगे तभी जाके आपको यह सैलरी मिलेंगे। ठीक है, जिनका एज यहाँ पे 18 से 35 वर्ष तक एज है वो इस कंपनी में जॉब करने के लिए फिलहाल एलिजिबल है। तो जिनका 35 साल तक एज लिमिट है उनके लिए खास करके मैं कहना चाहूँगा आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग जरूर इसमें जाएंगे। ठीक है, 31 जुलाई को ये भर्ती दिनांक रखा गया है 2024 को दोस्तों, जिसमें सभी राज्य के स्टूडेंट इसमें दोस्तों जाकर और जॉब पा सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी IT पास स्टूडेंट को नहीं मिलने वाला है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा जॉब प्रमोशन का वीडियो आप लोग ले लेकर आए हूँ। और अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक ही नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेट नहीं मिलता, और हमें जब तक मोटिवेट नहीं मिलेंगे दोस्तों तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों पर हो गया दोस्तों, अपने रिश्तेदारों पर हो गया, आपका कोई भी ग्रुप है तो उसमें भेज दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें जॉब मिल सके। जो भी IT पास स्टूडेंट बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है ये। इसके साथ दोस्तों KPS IT यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्यों दोस्तों मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ दोस्तों 40 से भी ज़्यादा कंपनी जुड़ी हुई है, किसी न तो किसी कंपनी में दोस्तों आपको जॉब मिल ही जाएगा। देखिए मेरे कंपनी में जितने भी है उनमें से आपको दोस्तों कुछ फ्री में भी जॉब मिल जाएगा, और कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें आपको चार्ज दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मैं कंपनी के बारे में बता रहा हूँ इसमें आपको बिल्कुल फ्री में जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो होंडा कार कंपनी के बारे में, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। होंडा कार का आज ही भर्ती था दोस्तों, आज 23 जुलाई है तो आज ही भर्ती उसमें था। ठीक है, ऑलरेडी भर्ती हो रहा है अभी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप में से जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं आपको अगर होंडा कार में जॉब करना है तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मेरे से संपर्क करने के लिए दोस्तों मुझे व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज करना पड़ेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, और वीडियो पहले देख लीजिएगा कि वीडियो में क्या आपका प्रोसेस बताया गया, तो उस वीडियो को जाकर पहले देखिएगा, फिर मुझे व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मारुति सुजुकी में बहुत ही ज़्यादा भर्ती चल रही है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो हीरो कंपनी है, हीरो कंपनी में भी अभी भर्ती चल रही है, जो हरिद्वार प्लांट में, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गुजरात में हेलोर में प्लांट है उसमें भी भर्ती चल रही है, उसमें भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मेरे पास है दोस्तों, आपको अगर इसमें जॉब करना हो तो मुझे व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, चाहे हरिद्वार उत्तराखंड प्लांट में जॉब करना, चाहे हेलोर गुजरात प्लांट में आपको जॉब करना हो, जिनमें से किसी भी में आपको अगर करना होगा तो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट पर जैसे कि मैं अभी भर्ती करा रहा हूँ, मेरा रेफरेंस चल रहा है, मैं एयरपोर्ट का वीडियो भी बना के चुका हूँ, जो इंडिगो एयरलाइंस में अभी भर्ती बहुत ही दबा के निकली है दोस्तों। ठीक है ना, लगभग 1400 पोस्टों पे भर्ती निकली है, और ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकाला गया, और लगभग ऑल ओवर इंडिया में सभी एयरपोर्टों पे भर्ती निकाला गया। जैसे कि मैं कुछ एयरपोर्ट का नाम आपको बता दे रहा हूँ जिसमें फिलहाल भर्ती चल रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है एयरपोर्ट का नाम सुन लीजिए कि किस किस एयरपोर्ट पर अभी भर्ती चल रही है। ठीक है ना, लखनऊ एयरपोर्ट पर चल रही है, गोरखपुर एयरपोर्ट पर चल रही है दोस्तों, इलाहाबाद एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर चल रही है, कोलकाता एयरपोर्ट पर चल रहा है, पटना एयरपोर्ट पर चल रहा है, पुणे एयरपोर्ट पर चल रहा है, मुंबई एयरपोर्ट पर चल रहा है,
रहा है, ठीक है, गुड़गांव एयरपोर्ट पर चल रहा है, और भी बहुत सारी एयरपोर्टों पर दोस्तों अभी भर्ती है और दवा की भर्ती चल रही है जिसमें मैं खुद भर्ती करा रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, इसका मैं वीडियो बनाया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ बताया गया, लेकिन मैं इस वीडियो में अभी थोड़ा आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो में आप पूरी बने रहिएगा। अब मैं अगर सिर्फ इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको बता दूंगा तो इन सब कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अगर ओमिनाटेक कंपनी में नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इन सब कंपनी में फिलहाल आप परमानेंट जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा रेफरेंस चल रहा है एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट पे रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जब तक जान पहचान नहीं होगा, आपका जब तक रेफरेंस नहीं होगा, तब तक आप एयरपोर्ट में जॉब नहीं पा सकते, कितना भी आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजेंगे व्हाट्सअप पर, ठीक है ना, मैं आपका ऑनलाइन अप्लाई करूँगा फॉर्म का, और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भेजना पड़ेगा जो 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों जब आपको मैं सिलेक्शन करा दूंगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, जब फर्स्ट सैलरी आएगा तब आपसे दोस्तों 15,000 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। यही हमारा प्रॉफिट रहेगा जो आपके फर्स्ट सैलरी से 15,000 रुपया लिया जाएगा। बाकी दोस्तों अभी आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ दोस्तों ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कंपनी रखी है वो कंपनी को ही पेमेंट करना पड़ेगा जब आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा तो, ठीक है। जिनको भी करना होगा फटाफट से व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना एक बार व्हाट्सअप नंबर भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों वो 7643026436, ठीक है, इसी नंबर पे जाकर दोस्तों आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पर, कॉल वगैरह नहीं करना है, कॉल करने से पहले आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अमिनाटेक कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, नोटिफिकेशन को दोस्तों पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। देखिए हम लोग अमिनाटेक इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा हुआ कि कंपनी क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या है क्या नहीं है, उसी के बारे में तीसरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इससे ज़्यादा अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा गूगल या क्रोम पे, और इस कंपनी के बारे में सर्च कीजिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाएंगे और पूरी जानकारी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे में मैं आप लोग को पूरी जानकारी दे ही दे रहा हूँ और जानकारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि पोजीशन जो आपका रहने वाला है इस कंपनी में वो देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट फॉर सीएनसी वीएनसी जो होबिंग और सेमिंग और शेपिंग ग्राइंडिंग एट्सेट्रा ये सब का काम आपका रहने वाला, पोजीशन रहने वाला, ठीक है। जॉब लोकेशन आपका राजकोट गुजरात में रहने वाला। अब सैलरी अगर हम लोग जान लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या आपका रहने वाला, तो सैलरी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 35,000 तक आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 घंटे का सैलरी यहाँ पे 15,300 रुपया है, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिल जाएगा 13,800 रुपया, लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों ओटी डबल चलती है, इसलिए आप अगर 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 18,900 से लेकर दोस्तों आपको 35,000 तक मिलेंगे एवरी ईयर, सैलरी इंक्रीजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ओटी वगैरह डबल हो जाता है तो आप महीने में 35,000 रुपये सैलरी कमा सकते हैं, आप जितना घंटा चाहे उतना घंटा आप ओटी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 35,000 तक सैलरी बताया गया। बाकी 8 घंटे का सैलरी यहाँ पे देख लीजिए और 12 घंटे का भी देख लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है, फिर आप वहाँ पे जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग 35,000 देख के चले गए, फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको 8 घंटे में इतना मिलेंगे, फिर आप बाद में बोलेंगे कि आप ऐसे ही जानकारी देते थे, फेक जानकारी देते थे, तो ऐसा नहीं है, जो भी रियल है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओटी करेंगे तभी जाके आपको 35,000 रुपये सैलरी आएगा, और हर साल सैलरी भी इंक्रीजमेंट होगा सैलरी के हिसाब से जितना भी परसेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन बताएगा, आईटी पास आउट स्टूडेंट को लिया जा रहा है, फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल डीजल वाले टर्नर मशीनिस्ट वाले को यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जा रहा है, कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर का भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 से 35 वर्ष तक आपका एज लिमिट होना चाहिए, तो एज लिमिट मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया गया कि बस फैसिलिटी यहाँ पे फ्री मिलेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी, फॉर्म कंपनी साइड यूनिफॉर्म फ्री आपको मिल जाएंगे, पीएफ वगैरह मिल जाएगा, कैंटीन यहाँ पे 2 टाइम फूड अवेलेबल है एट सब्सिडी रेट पे आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अब कितना यहाँ पे सब्सिडी रेट काटा जा रहा है, 19 रुपया पर मील काटा जाएगा, मतलब 2 टाइम पे आपका काटा जाएगा दोस्तों 19 x 38 रुपया पर डे के हिसाब से जोड़ लीजिए, ठीक है, कि आपका 26 दिन में कितना काटा जाएगा, तो सही है कि 19 रुपये में आपको खाना वगैरह मिल जाएगा 2 टाइम, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है प्लेसमेंट में, देखिए यहाँ पे रिज्यूम लेके जाना है, 10 का मार्कशीट, आईटी का मार्कशीट, 10 सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपको लेके जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट का 2 या 3 कॉपी जेरॉक्स लेके जाएंगे, ठीक है, उसके साथ ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा।
आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू होगा, तो ये फॉर्मेलिटी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। 30 जुलाई 2024 को लगाने के लिए जा रही है बलियापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस अटैच, यहाँ पे देख सकते हैं कनार बैंक सारापुरा बलियार रोड जो यहाँ पे देख सकते हैं संबलपुर सिंदरी धर्मबाद झारखंड स्टेट में ये प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को जाना पड़ेगा 30 जुलाई 2024 को। और इसमें दोस्तों बिहार वाले हैं चाहे वेस्ट बंगाल से हैं चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं आप जा सकते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल बैनर जारी किया गया वो बैनर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर नंबर वगैरह भी दिया है जिस नंबर पर दोस्तों संपर्क करके और इससे ज़्यादा अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो आप लोग बैनर देख लीजिए, ये रहा दोस्तों इसका बैनर, यहाँ पर नंबर दे दिया गया, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बाकी जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दे दिए गए। यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि डायरेक्ट कंपनी पेरोल परमानेंट जॉब आपको दिया जाएगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे डेट भी बता दिया गया, ठीक है। तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आप लोग ये जो नंबर बता रहा हूँ ये नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर आप लोग संपर्क करके इससे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सैलरी वगैरह यहाँ पे सब कुछ जो एज लिमिट वगैरह जो आपका जो पोजीशन रहने वाला वो सारा कुछ बता दिया, यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे देखिए इस प्लेसमेंट ड्राइव में अन्य राज्य संस्थानों के छात्र भी भाग ले सकते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका इस यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, अगर आपको इस कंपनी में जाना है तो जा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैंने आपको एयरपोर्ट के बारे में बताया, होंडा कार के बारे में बताया दोस्तों, वो भी बहुत सारी कंपनी है नोएडा में दोस्तों, कंपनी है जो हायर इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें परमानेंट भर्ती चल रही है, ठीक है। 300 कंपनी में अगर करना होगा तो मुझे जाकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी में अगर जॉब करना होगा इन जो भी मैंने कंपनी बताया तो इसमें आपको फ्री में नहीं होगा, कुछ चार्ज देना पड़ेगा तभी आपको जॉब मिलेगा। देखिए अगर आपको 1000-1500 रुपये चार्ज देके अगर अच्छी कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाता है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग जाके मैसेज कर सकते हैं, बाकी जिनको इस कंपनी में जाना है वो जाइएगा जरूर, आपका फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि और भी अच्छा अच्छा कंपनी का जॉब वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों फिर मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।